निर्वाचन घोषणा है तारीख। पंचायत निर्वाचन पाजिला बिगुल पांचटी पर्यायर हेब चलित पंचायत निर्वाचन। प्रति पर्याय मध्य गोटे दिन व्यवधान रसंता फेब्रुआरी 16, 18, 20, 22, 24 तारीख में निर्वाचन हेब। से फेब्रुआरी 26, 27, 28 तारीख में तीनोटी पर्यायर भोट गणति फलाफल प्रकाश पाइब। पंचायत निर्वाचन आसंता जनवरी 13 तारीख में विज्ञप्ति प्रकाश पाइब। से 17 जनवरी 21 जनवरी पर्यंत नामांकन पत्र दाखल करे प्रार्थी। 22 जनवरी नामांकन पत्र जांच कर। 25 जनवरी सुधा नामांकन पत्र प्रत्याहार करे प्रार्थी। से 25 जनवरी चूड़ांत तालिका प्रकाश पाइब। सबु पर्यायर निर्वाचन शेष होगा पर ब्लॉक स्तर में भोट गणति हेब बोली प्रेस मीटर में सूचना देते राज्य निर्वाचन कमिशन आदित्य प्रसाद पाढ़ी। राज्य में कोरोना संक्रमण वृद्धि पाथिबारो चलित पंचायत निर्वाचन में कोविड कटकणा को कड़ाकड़ी पालन करा राज्य निर्वाचन कमिशनर। खासकर चलित पंचायत निर्वाचन बिना राली और बिना रोड शो रे हेबो। कोरोना कारण कौन राली को अनुमति मिलिबो नाही। सेबली रोड शो उपरे रोक लगा जायतिबा बळे केवल 5 जन को धरी घर घर बुली प्रचार कर पारिबे प्रार्थी। भारतीय संविधान रो आर्टिकल 243 ई अनुजाई पंचायतीराज अनुष्ठान गुड़िकर अवधि प्रथम बैठक ठारु 5 वर्ष शेष होगा पूर्व पुनर्गठन होगा आवश्यक। पंचायतीराज अनुष्ठान गुड़िकर गत साधारण निर्वाचन 13/2/2017 रु 21/2/2017 मध्य होता एवं ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद प्रथम बैठक यथाक्रमे 10/3/17, 11/3/17 और 12/3/17 तारीख में अनुष्ठित होता। सुतरां उपरोक्त पंचायत राज अनुष्ठान गुड़िकर साधारण निर्वाचन तथा पुनर्गठन कार्यक्रम यथाक्रमे 10/3/22, 11/3/22 और 12/3/22 तारीख पूर्व होगा आवश्यक। सांविधानिक बाध्यता बाध्यता को पालन करने निम्ते यथा समय रे निर्वाचन करने को समस्त प्रकार प्रस्तुति कार्य करने आवश्यक। पंचायतीराज अनुष्ठान गुड़िकर साधारण निर्वाचन 2022 करने निम्ते राज्य निर्वाचन कमिशन गत 8 तारीख दिन चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट कमिश्नर कम एसआरसी एवं एसीएस हेल्थ सहित बैठक करते छड़ा काली 10 तारीख दिन डीजी पुलिस एवं एसीएस होम को सहित बैठक करते मुख्यतः ये दुईटी जाक बैठक रे आम COVID-19 सिचुएशन विषय आलोचना करूँ एवं निर्वाचन करिवार फिजिबिलिटी विषय एथरी डिस्कस करा जायतिला एवं निष्कर्ष रे आम पहुँचीलु जे कोविड कटकणा को जदि आम ठीक भाव इम्प्लीमेंट करू एवं रिस्ट्रिक्शन जाक ठीक भाव आम इम्प्लीमेंट करू ताल निर्वाचन को आम सुरक्षित भाव संपन्न कर काली आमर राजनैतिक दल मान सहित भी आलोचना होता। आगामी पंचायत निर्वाचन में आम कि नुआ पदक्षेप नवाक जाऊ प्रथम है ब्लॉक सदर महकमारे भोट गणति पंचायत आईन रो संशोधन जो राज्य समस्त पर्याय निर्वाचन सरिबा परे ब्लॉक सदर महकमारे एका सहित 3 दिन रे वार्ड मेंबर सरपंच पंचायत समिति सभ्य और जिला परिषद सभ्य मानक वोट गणति हेब। पूर्वर जो प्रथा थिला प्रत्येक फेज रो निर्वाचन सरिबा परे सेठारे ही वोट गणति कार्य होतला किंतु एथरे किछि विशृंखला परिस्थिति उत्पन्न होबा फळरे आमे सरकार को भी अनुरोध करथिलु एवं ता क्रमे आईन रे संशोधन करा गला एवं एही निर्वाचन ठारु आमे सेंट्रल काउंटिंग करिबु ब्लॉक स्तर रे
द्वितीय हैला जिला परिषद सभ्य निर्वाचन पाई प्रार्थी माने देथिबा सत्यपाठ जिला वेबसाइट रे नामांकन पत्र सहित प्रकाशन करिबा पाई राज्य निर्वाचन कमिशन समस्त जिलापाल मानकु निर्देश देइछंती। तृतीय हैला वोट दान समय आसंता पंचायत निर्वाचन 2022 पाई कमिशन वोट दान समय सकाळ 7 रु अपराह्न 1 पर्यंत स्थिर करिछंती। गत निर्वाचन पर्यंत यह 12 बेलू ये सर जाऊला आम एथर घंटे एक्स्ट्रा पोलिंग टाइम देचु। टोल फ्री नंबर कमिशन गोटे कॉल सेंटर एस्टाब्लीश कर सकाळ 9 रु अपराह्न 6 पर्यंत कार्य कर एवं यार नंबर 1-800-345-7787 आउ कमिशन रो कंट्रोल रूम रो टेलीफोन नंबर हूँ 0674-2573-494 सकाळ 8 रु राति 9 पर्यंत काम कर। छड़ा आमे आमर अनुरोध क्रमे राज्य सरकार पंचायत आईन रे संशोधन करी जो एफिडेविट दिया जिबो जिला परिषद सदस्य और कैंडिडेट मानक पाई एवं सरपंच एवं पंचायत समिति सभ्य मानक जो एफिडेविट जो देबे से माने सेथिरे जदि फेक एफिडेविट किंबा भूल तथ्य देबे से माने ताले से मानकु दंडित करिवा पाई प्रावधान रखा देछि। कमिशन को पत्र संख्या 225/10/2022 तारीख अनुजाई कोविड 19 मार्गदर्शिका आम इश्यू करिछु एथिरे आम डिटेल्ड गाइडलाइन देइछु जे कोविड 19 जो एपिडेमिक चली आखिरे रखी निर्वाचन आम कि भावे सुरक्षित ढंग से परिचालना करि परिबा एथिरे पथप्रांत प्रदर्शन पदयात्रा साइकिल मोटरसाइकिल जान पटुआर पाई अनुमति नाही। राजनैतिक दल किंबा संभाव्य प्रार्थी बा निर्वाचन रे संपृक्त कौनसी गोष्ठी समावेश निषिद्ध अटे। कोविड सुरक्षा दृष्टि राजनैतिक दल और प्रार्थी मानंकु डिजिटल वर्चुअल मीडिया बा मोबाइल माध्यम रे प्रचार करिबा पाई कमिशन निर्देश देइछंती। सर्वाधिक 5 जन लोकंक सहित प्रार्थी माने घर को घर बुली प्रचार करि पारिबे। वोट गणति परे कोनोसी विजय शोभा यात्रा करिबे नाही। जदि कोनोसी प्रार्थी किंबा राजनीतिक दल कोविड-19 मार्गदर्शिका रे खिलाफ करंती ताहाले सेमानको विरुद्ध रे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 रो धारा 51 रु 60 अनुजाई दंडित हेबे। संपूर्ण कोविड टीका नेथिबा एवं नेगेटिव आरटीपीसीआर बा रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट थिबा व्यक्ति ही वोट गणति केन्द्र को प्रवेश करि पारिबे। सांप्रतिक परिस्थिति को दृष्टि रे रखि कटकणा कोहळ किंबा कठोर करा जाई पारे। आमे लास्ट पॉइंट आमे रखिचु जे जदि सिचुएशन इम्प्रूव करिवो ताले एथिरे किछि आमे रिलैक्स करिवो कई कंडीशंस आउ जदि सिचुएशन आउरी वर्सन करिवो ताले आउरी स्ट्रिक्ट कंडीशन सेथरे आमे अप्लाई करिवो। वर्तमान माने नटशेल रे जदि कहबा कैंपेनिंग पई केवल डोर टू डोर कैंपेन अलाउ करा जिवो आउ कोनोसी प्रकार असेंबली ऑफ पर्सन्स एट एनी प्लेस विल नॉट बी परमिटेड। से रोड शो हो कि साइकिल यात्रा हो कि मोटरसाइकिल यात्रा हो कि पदयात्रा हो कोनोसी प्रकार बा मीटिंग हो पब्लिक मीटिंग हो कौनसी प्रकार गैदरिंग को परमिशन दिया जीवो नहीं केवल डोर टू डोर कैंपेनिंग एवं बाकी वर्चुअल कैंपेनिंग दुईटी माध्यम रे ही कैंपेन को परमिट करा जाय छी। समग्र राज्य रे 5 पर्याय रे वोट ग्रहण करा जीवो एवं प्रति पर्याय मध्य रे गोटे दिन व्यवधान रहिबो। एही निर्वाचन रे 2,79,35,520 जन मतदाता अछंती एवं सेमाने 91,913 जन वार्ड मेंबर 6,794 सरपंच 6,000
793 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ 853 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ପଢ଼ିଦେବି। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୋଟିସ୍ ଜାରି, ଏଇଟା ହେଉଛି 13/1/2022। ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଗମନ ଓ ପ୍ରଦାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି 17/1/2022 21/1/2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଯେଉଁଟା 22/1/2022। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ୱିଡ୍ରଲ୍ ଅଫ୍ ନମିନେସନ୍ 25/1/2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ 25/1/2022। ତାପରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଆମର ହେବ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16, 18, 20, 22, and 24 February ଦିନ 16th, 18th, 20th, 22nd, and 24th February 2022। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଟିଂ ଡେଟ୍ସ ଇନ୍ 5 phases। ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଓ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା 26/2, 27/2, and 28/2022। ଏଇଟାକୁ ଆମେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଖୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର 314 ବ୍ଲକ ଅଛି ଏବଂ 853 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଅଛି। ସୋ ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର ଯେତେ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ମେମ୍ବର ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍ ସେହିଦିନ ଗଣତି କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଭୋଟିଂଟା ଟେକ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛୁ ଭୋଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା। ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ 28/2/2022 ଯେଉଁଦିନ ଆମ କାଉଣ୍ଟିଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ଉପରେ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ଆଜି ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହେଲା, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ଦେବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛୁ ଯେ 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ର ଫ୍ରି କପି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ର କପି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରୁ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ସମରି ଦେଇଦେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ 5ଟି ଫେଜ୍ ହେବ ସେଥିରେ କେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଭର ହେବ, କେତେ ବ୍ଲକ୍ କଭର ହେବ, ତାର ଗୋଟେ ସମରିଟି ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 16/2/2022 ଦିନ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଆମର ପୋଲିଂ ହେବ ସେଥିରେ 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିଂ ହେବ। ଆମର 71ଟି ବ୍ଲକ୍, 202 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍, 1669 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 22,379 ବୁଥ୍ରେ 67,51,000 ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ସେହିପରି 18/2/2022 ଦିନ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆମର ହେବ ସେଥିରେ ବି 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିଂ ହେବ, 68ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ, 186ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍, 1514 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 20,436 ବୁଥ୍ରେ ପୋଲିଂ ହେବ। 62,10,000 ମତଦାତା ଏଥିରେ ରହିବେ। 20/2/2022 ଦିନ 29ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟିଂ ହେବ, 63ଟି ବ୍ଲକ୍, 171ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍,
1382 ग्राम पंचायत एवं 18495 बूथ रे पोलिंग हबो 56,53,000 वोटर एथिरे मत सब्यस्त करिबे 22/2022 दिन 27 जिल्ला रे पोलिंग हबो 64 ब्लॉक रे हबो 163 जिला परिषद जोन 1254 ग्राम पंचायत एवं 17,089 बूथ रे पोलिंग हबो 51,31,000 जन मतदाता मत सब्यस्त करिबे 24/2022 रे 25 जिल्ला रे मतदान हबो 48 ब्लॉक 131 जिला परिषद जोन 975 ग्राम पंचायत 13,514 बूथ एवं 41,88,000 मतदाता। एटा मु डायरेक्ट इलेक्शन कथा मु कहिली या छोड़ा ए डायरेक्ट इलेक्शन ता सरला परे आमर इनडायरेक्ट इलेक्शन हबो जो ब्लॉक रो चेयरमैन वाइस चेयरमैन पई जिला परिषद रो प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट पई एवं नायब सरपंच पई ए सो जो परोक्ष निर्वाचन अछि नायब सरपंच मानकर 11/3/2022 दिन हबो पंचायत समिति अध्यक्ष कर हबो 12/3/2022 एवं जिला परिषद सभापति कर अध्यक्ष हबो कर इलेक्शन हबो 13/3/2022 दिन या छड़ा पंचायत समिति उपाध्यक्ष कर इलेक्शन हबो 23/3/2022 दिन एवं जिला परिषद उपसभापति को इलेक्शन हबो 25/3/2022 दिन। ब्यूरो रिपोर्ट ब्लैक इट न्यूज़ ओडिशा।